नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों स्वागत है। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में जो है मुकाबला शुरू हो चुका है। पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और आज दूसरा दिन है। पहले दिन जो है श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिमुथ करुणारत्ने की टीम जो है वो 222 रन पर सिमट गई, क्योंकि बाबर आजम की सेना ने कमाल की गेंदबाजी की, खास करके शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने 4 विकेट झटके। हसन अली को भी 2 विकेट ही मिला ना बंदे को, 2 विकेट उनको मिला और यासिर शाह को भी 2 विकेट मिला। एक बार मैं देख लूँ, हाँ यासिर शाह और हसन अली को 2-2 विकेट मिले और नसीम शाह और मोहम्मद नवाज को भी 1-1 विकेट मिला। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है अब अपना जो है वो 25वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इस दौरान जो है 99 टेस्ट विकेट वो हासिल कर चुके हैं। 100 टेस्ट विकेट पूरे करने के लिए शाहीन अफरीदी को सिर्फ 1 विकेट की दरकार है। अब वो 1 विकेट सेकेंड इनिंग्स में बिल्कुल आनी चाहिए और आनी भी चाहिए, और जैसे ही आएगी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अब्दुल रजाक, पाकिस्तान के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर में से एक अब्दुल रजाक को पीछे छोड़ देंगे। दरअसल में अब्दुल रजाक जो है उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 100 विकेट ही झटके थे, 46 टेस्ट मैच उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेले और इस दौरान जो है 1 फाइफर उन्होंने लिया और 100 विकेट अपने पूरे किए थे। तो जैसे ही 1 विकेट लगेंगे शाहीन शाह अफरीदी 100 विकेट पूरे करेंगे और जब दूसरा वो विकेट लेंगे तब अब्दुल रजाक को जो है वो पीछे छोड़ेंगे। वैसे तो 1 विकेट लेने के बाद बराबरी ही करेंगे, लेकिन हाँ जैसे ही 101 विकेट होगा शाहीन शाह अफरीदी पछाड़ देंगे अब्दुल रजाक को। तो देखते हैं क्या कुछ होता है सेकेंड इनिंग्स में। फिलहाल तो अभी पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और होप्स हो कि आज बाबर आजम के बल्ले से रन्स निकले, भाई अजहर अली के भी बल्ले से रन्स निकले। जब तक इन दोनों के बल्ले से रन्स नहीं निकलेगा दिक्कत हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स चौक के साथ। धन्यवाद।